तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। होप यू गाइस आर वेल। गिव इट टू मी लाइक आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों की मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे इंस्टा पे जाकर मुझे फॉलो कर दें। तो जी आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जी मैं ना मैकडॉनल्ड्स में जॉब करती हूँ। जिसको नहीं पता मैं उसको बताती हूँ। तो यहाँ पे ना एक रूल है कि जिस लड़की ने अपने हाथ में रिंग पहनी होती है ना उसको कोई छेड़ता नहीं है। अच्छा मुझे कोई नहीं छेड़ता जस्ट बिकॉज ऑफ मैं फजूल हंसती नहीं हूँ, मुझे हंसी आती ही नहीं है फजूल ना। तो मैं ना खड़ी हुई थी अपनी जॉब पे, तो मुझे ना एक आदमी आके कहता आर यू मैरिड। नहीं, उसने सबसे पहले मुझे कहा यू आर सो ब्यूटीफुल। आई वाज लाइक थैंक यू सो मच, क्योंकि यहाँ पे ये कहना आम है आर यू मैरिड। मैंने कहा कहता वेयर इज योर रिंग। तो मैंने कहा आई डोंट लाइक टू वेयरिंग रिंग। तो कहता नहीं तुम पहनो तो फिर वरना ना लड़के तुम्हें छेड़ेंगे। मैंने कहा अच्छा। ऐसी में खड़ी रही, एक लड़का फिर आया, उसने भी मुझे ये कहा। मैंने सोचा अच्छा मुझे आदत नहीं है, मैं सिर्फ अपने कानों में ये 3 इयररिंग्स पहनती हूँ और दैट्स इट। सोचा कि मेरे पास रिंग्स हैं जो सही तो मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है। मेरी मामा ने मुझे ये सिखाया कि मेरे तुम्हारे पास जितना भी गोल्ड है ना उसको तुमने अगर रेगुलर पहनोगी ना तो उसकी वो शाइन नहीं रहेगी, तो संभाल के करो, ऐसे इवेंट्स पे पहना करो। वही आदत है मेरी। बट यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे कौन से इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे क्या कुछ होता है। तो मैंने जितना भी सारा गोल्ड है ना सारा सेव करके रखा हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को अपनी गोल्ड की रिंग्स दिखाती हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी रिंग है। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी रिंग मैं परमानेंट पहन के रखूँ और फिर उस हिसाब से वो पहन के रखूँगी। जस्ट बिकॉज ऑफ के मेरे पास है तो सही, लेकिन मेरा दिल नहीं करता वो पहनने का, क्योंकि जब शेजिल नहीं ना थी तो मेरी फिंगर्स बहुत पतली पतली थी। जब से शेजिल हुई ना मेरी फिंगर्स भी मोटी होगी, मैं खुद भी मोटी होगी। तो वो ना मुझे कुछ रिंग्स में पूरी नहीं आती, बट वो मैंने अपनी बेटी के लिए रख ली है। खैर मैं आप लोगों को अपनी सारी रिंग्स दिखाती हूँ और फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या मुझे न्यू रिंग लेनी चाहिए, क्या मुझे यही पहन लेनी चाहिए, तो आप लोग मुझे बताएं। तो अभी मैं निकालती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये है मेरा ज्वेलरी बॉक्स, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और जी ये इसको खोलते हैं, इसके यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे भी, ये नीचे भी एक छोटा सा ड्रो है जिसमें मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें मैंने रखी होती हैं। अच्छा तो एक मेरे पास ये रिंग है, एक ये रिंग है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, बस मेरे पास इतनी ही रिंग है। और मैं आप लोगों को शेजल की रिंग भी दिखाती हूँ, शेजल के पास भी बहुत प्यारी प्यारी रिंग्स हैं, उसकी भी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। जी ये है मेरी बेटी की रिंग्स, इसमें से ये इसकी नानों ने दी है, और इस तरह की एक और थी इसकी, दो और थी, वो इसकी चोरी हो गई है। मैं अपनी ससुराल में थी तो वहाँ पे वो चोरी हो गई, तो इस तरह की दो और रिंग्स थी, वो शैजल की चोरी हो गई, बने हुए हैं ना ये मेरी मामा ने बना के दिए। तो इस तरह के ना वो दो रिंग्स के मैंने धागे बनवाने के लिए दिए, तो वो वहाँ पे चोरी हो गई। खैर अल्लाह पूछे जिसने चोरी की। तो बाकी जी ये हैं जी मेरी बेटी की रिंग्स। और अच्छा ये कुछ इस टाइप का बॉक्स है, लाइक इसके यहाँ पे भी जगह है, यहाँ पे मैंने अपनी ब्रेसलेट रखी हुई है, और मैंने ये हाँ क्या रखा हुआ है, ओ वाओ एक ये भी रिंग है मेरे पास, सॉरी मुझे बताना भूल गया, एक ये भी रिंग है मेरे पास। मुझे ऐसे थोड़ी ना लड़कों वाली रिंग भी बहुत पसंद आती है, तो मैंने ये ली हुई है, एक ये भी रिंग है, ये पहन लेती हूँ मैं अभी। अच्छा मैं आपको दिखा रही थी कि ये एक इसका सेक्शन है और इसके नीचे भी इसका एक सेक्शन है जहाँ पे मैंने एक यहाँ पे मैंने एक ये छोटा सा सेक्शन है इसका और एक ये नीचे सेक्शन है इसका। यहाँ पे मैं शैजल की तीनों रिंग रख देती हूँ क्योंकि उसके ऊपर धागा लगा हुआ है, और साथ ही नीचे मेरे और छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर आप लोग कहेंगे कि अपनी सेट की कलेक्शन दिखाएं तो मैं आपको अपने सेट की कलेक्शन भी दिखाऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही चल की लगे, लेकिन ये कोई इतनी खास मज़े की नहीं लग रही। क्या है अगर आप लोग मेरा और भी सारी मेरी कलेक्शन देखना चाहते हैं तो आप मुझे बताना, मैं आपको पूरा टोर पूरी चीज़ें दिखाऊँगी। खैर अभी तक के लिए आज तो मैं आपको खाली रिंग दिखा रही हूँ, बाकी अगर आप कहेंगे कि अपने सेट की कलेक्शन भी दिखाएं तो मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊँगी। खैर मेरे पास कुछ थोड़ी सी ही ज़्यादा रिंग है, ज़्यादा नहीं है, एक ये 1, 2, 3, 4 and 5 and 6 और एक ये रिंग है जो कि मैं बिल्कुल भी दिखाना भूल चुकी थी, इसको ओपन करके दिखाती हूँ।
ये देखें, एक ईयर रिंग है मेरे पास। अच्छा वैसे मेरे पास ये पूरा बॉक्स है दिखाने के लिए, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दिखाऊंगी। खैर फिलहाल आज हम रिंग की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास ये रिंग्स हैं। इनमें से आप लोग मुझे बताएं कि मैं रोज, मतलब ये वाली छोटी वाली दो निकाल की, बाकी मेरी हैं। इनमें से आप बताएं कि मैं रोज़ कौन सी रिंग पहनाऊँ, मतलब हर टाइम कौन सी रिंग पहन के रखूँ, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि इनमें से रोज़ पहनने वाली कोई भी रिंग नहीं है, मुझे एक न्यू लेनी चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ ये दोनों जो सिंपल सी हैं, ये मुझे बिल्कुल भी पूरी नहीं आती अब, और ये भी मुझे पूरी नहीं आती अब, क्योंकि मेरे सिर्फ ये पूरी आती है मुझे, ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है, ये भी आती है। तो अच्छा जी, तो रिंग मैंने डिसाइड कर लिया, अब हम लोग जा रहे हैं। आज सैटरडे है यहाँ पे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सैटरडे हो और हम लोग कहीं पे बाहर ना जाए। तो आज हम जा रहे हैं शेजल के लिए, तो आज हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने। हमारे परदेशियों का यही होता है, हमारे घर में कोई रिश्तेदार नहीं आता, हमारे घर में ये होता है शॉपिंग कर लो, ग्रॉसरी कर लो और अपना दिल बहला लो। तो ऐसे हम लोग ग्रॉसरी करने के लिए जा रहे हैं, और लेट्स सी कि वहाँ पे क्या करते हैं और क्या क्या लेते हैं। तो रही है मेरे साथ, स्टे कनेक्टेड। शेजी मैडम को देख लें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाओ। अच्छा यहाँ पे ना हर वेजिटेबल बहुत बड़ी बड़ी होती है, चाहे वो लेमन हो चाहे वो कुछ भी। अब ये बैंगन देखे, इतना बड़ा था कि हाथ में भी नहीं आ रहा था। और यहाँ पे मैंने छोटे से कपकेक देखे, मुझे बहुत क्यूट लगे, तो मैंने कहा ये तो लेने चाहिए। अब आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा होता है। हम लोग ना हर दो वीक की इकट्ठी शॉपिंग कर लेते हैं, ताकि हमें बहाना मिल जाए बाहर आने का, क्योंकि और तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है। बंदा यहाँ पे घूमने जा सकता है या फिर ग्रोसरी करने जा सकता है। यहाँ पे शेजल मैडम को हमने ये दिया था कि शायद खा ले, तो बस जी वो तोड़ तोड़ के फेंकी जा रही थी। जो मेरे व्लॉग देखते हैं उसको पता होगा कि शेजल को पिछले दिनों ना साइकिल बहुत पसंद आ गई थी, तो हम उसको ये साइकिल देने की कोशिश करते कि ये ले ले वो और खुश हो जाए, लेकिन उसको नहीं पसंद आ रही थी, उसने बच्चों वाली ही लेनी थी। लाइक वो साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी थी, मेरा दिल नहीं मान रहा था वो लेने का, लेकिन उसको देख के वो इतना हैप्पी हो रही थी कि हमने फिर वही लेके दी इसको। जो बड़ों वाली साइकिल थी ना, वो कुछ इस टाइप की थी जो हम लोग अपने बचपन में चलाते थे, लेकिन छोटे बच्चों वाली कुछ इस टाइप की थी। शेजल को ये पसंद आ रही थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये पाँव से चलानी पड़ती है। मैंने पाँव थक जाएंगे इसके आगे, बच्चे थोड़ी शरारतें करते हैं। बेसिकली शेजल को ये न्यू बॉर्न की बच्चों के स्टाइल की पसंद आ रही थी, प्लास्टिक टाइप की। जिन हम शॉपिंग करने गए थे तो उसने इस पे ज़िद लगा ली थी कि ये तो बड़ी अच्छी है, मैंने ये लेनी है। तो हमने सोचा चलें जी, वो ज़िद तो करती नहीं है, अब उसको कुछ पसंद आया ही है तो हम उसको ले देते हैं। तो यहाँ पे हम काफ़ी देर खड़े रहे और डिसाइड करते रहे कि कौन सी लेनी चाहिए कौन सी लेनी चाहिए, लेकिन फिर हमने सोचा किसी और स्टोर पर चलते हैं, क्या पता वहाँ पर वेराइटी हो। तो फिर हमने यहाँ से नहीं ली, हम किसी और स्टोर पर गए और वहाँ पर दो तीन ही वेराइटीज़ थी, फिर उनमें से हमने पसंद की। लेकिन मैं ये प्रेफर कर रही थी कि ये वाली साइकिल ले ले, आगे भी काम आ जाएगी। जैसे माएँ होती है ना कि कपड़े बड़े ले लेते हैं कि आगे भी काम आ जाएंगे, इसी तरह मैं साइकिल को भी यही सोची थी कि अभी ले ले, तीन चार महीने बाद आगे काम आ जाएगी और खेलना शुरू कर देगी इस पर। शेजल को इस तरह की ये प्लास्टिक की पसंद आ रही थी, मुझे लग रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तो मैंने इसको उठा के ट्रॉली में बिठा दिया और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर मैंने कार्टून लगा दिए, फिर मैडम जी चुप होकर बैठ गई। हम लोग दूसरे स्टोर पे गए और वहाँ पे भी ये दो ऑप्शंस थी, एक ये स्कूटर था और एक वही ट्राईसाइकिल थी। तो मैं सोची थी ट्राईसाइकिल ही लूँ, लेकिन फिर वो शेजल को वो पसंद आ रही थी, तो फिर हमने वो ले ली बेबीज़ वाली, और घर आके अनबॉक्सिंग की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जहाँ पर हम लोग साइकिल लेने गए थे वहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर हर साइज़ के कपड़े मिलते हैं। लाइक अगर आप ट्रिपल एक्सल भी है ना, तो आपने बस पसंद करना है डिज़ाइन, आपको हर साइज़ मिल जाएगा। ये यहाँ पे मैं जंप सूट देख रही थी, ट्रिपल एक्सल साइज़ का था, और जितने भी आप गाउन्स देख लें, आपने सिर्फ स्टाइल पसंद करना है, साइज़ आपको इजीली मिल जाएगा। ये बात मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है कि मतलब पाकिस्तान में पेंट ढूंढना मुश्किल हो जाता था, कि अगर कोई मोटा होता है ना लड़कियों की, लेकिन यहाँ पे हर साइज़ की पेंट, हर साइज़ का टॉप, हर साइज़ की हुडी मिल जाती है। सो ये बेस्ट पार्ट है। जस्ट लाइक ये पर्पल कलर का है, इसमें ये स्मॉल भी था, मीडियम भी था, एक्सल भी था, लार्ज भी था, हर साइज़ था। मैं आपको दिखा रही हूँ ये। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और ये है जी स्कूटर, और इसको हम अनबॉक्स करने लगे थे और शेजल सब्र ही नहीं हो रहा था, और फिर हम निकालते सार जी मैडम को बाहर ले गए। बच्चे वैसे सारा दिन आगे पीछे भागते रहते हैं, तो मैं ये प्रेफर नहीं कर रही थी कि पाउंस वाला ले ले, लेकिन ये इसी से खुश हो रही थी, शायद उसकी अभी ये एज है। तो मैं कह रही थी तीन चार महीने बाद इसने ये छोड़ देनी, और इसने कहना नहीं मैंने नहीं ये चलानी, दूसरी चलानी है। खैर माशाल्लाह वो बहुत खुश थी, तो वो खुश तो हम भी खुश। अच्छा अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम लोग घर आ गए थे, और मैंने अभी तक कोई सामान नहीं सेट किया, सिर्फ मैंने गाड़ी में से निकाल के उसको ऊपर रखा है, और हमें भूख लगी थी, शेजल को मैंने सुला दिया।
तो इसके बाबा और मैं आप कुछ खाने पीने आए हैं, तो बाहर से तो कुछ ऑर्डर कर नहीं सकते थे, तो यहाँ से ही मतलब मैं पिज़्ज़ा लूँगी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए कोई बन लूँगी बर्गर वगैरह का, एंड ऐसे तब फिर हम घर जाके पार्टी करेंगे। ये देखिए जी, हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं और फिर वहाँ जाके भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या लेना है। तो अभी मैंने पिज़्ज़ा लिया, बन लिए और लेटस लिए, अब मैं जा रही हूँ उसका बिल करवाने और फिर जाके आपको बना के दिखाती हूँ कि मैंने क्या खाया। Welcome valued customer, enter your item quantity. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अपनी ग्रोसरी हॉल दे देती हूँ, साथ साथ मैं संभाल रही थी, साथ साथ मैं वीडियो बना रही थी। तो ये एग है, ब्रेड है और इसके अंदर टमाटर है। ये जो ग्रोसरी है ना, ये हमारे 2 हफ्ते की है। और सब्ज़ी में मैंने लिया है, पालक ली थी मैंने, और मैंने इसको क्या कहते हैं, घिया कहते हैं आई थिंक, वो लिया था मैंने, और अंगूर लिए थे, और यहाँ पर मैंने प्याज ली हैं और स्ट्रॉबेरीज ली हैं और अपने कुछ स्नैक्स लिए हैं, एंड दैट्स इट। और ये मैं आप लोगों के सामने बन वगैरह जो लेके आई हूँ। तो जी फिर मैं घर आई और मैंने अपने हस्बैंड को ये बर्गर बना के दिया, खुद मैंने अपने लिए मिनी पिज़्ज़ा बनाया। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।